हाय फ्रेंड, कैसे हो? आज हम पपीते का, बच्चे का मनपसंद टूटी फ्रूटी केक, लस्सी सभी के साथ बनाने का तरीका बताएंगे। हमने पहले पपीते को पूरी अच्छी तरह से छील लेना है और पपीता तरबूज को भी हम बताएंगे और कद्दू का भी हम टूटी फ्रूटी बनाने का तरीका बताएंगे। आज हम पपीता का बना रहे हैं और इसका पीछे का भाग को अच्छी तरह से कट कर लेना है। हमने पीछे का भाग कट कर लिया, बीच से कट करना है और उसको बीच वाले भाग को निकाल देना है, बीज वाले भाग का निकाल देना है और उसे पानी से अच्छी तरीके से धो लेंगे। अब इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर देंगे। हमने छोटे छोटे टुकड़ों में पपीता को अच्छी तरह से कट कर ली है पपीते। अब हम एक कढ़ाई में एक गिलास पानी गर्म होने के लिए चढ़ा देंगे। अब छोटे छोटे टुकड़ों वाली पपीता को गरम पानी में डालना है। पपीता को अच्छी तरह से 10-15 मिनट तक सॉफ्ट होने देना है, ढक कर के ही पकाएं। पपीता में उबाल अच्छी सी आ गई है। पपीता पूरी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है। अब इसे हमें दबा कर देखना है, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करेंगे, हल्का ही सॉफ्ट करना है। अब पपीता अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसे छान देंगे, पानी से निकाल देंगे। सभी को हमने अच्छी तरह से निकाल ली है। अब हम इसमें चाशनी बनाएंगे। हमने 2 गिलास चीनी ले ली है और 2 गिलास पानी, बराबर ही चीनी और पानी रहेगा। इसमें पूरी अच्छी तरह से उबाल आने देंगे चीनी घुलने तक। अब इसमें चाहे तो गुलाब जल, कोबरा एसेंस या वनीला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं, हम तो गुलाब जल दिए हैं। अब पपीता को चाशनी में ऐड कर देंगे और पूरी अच्छी तरह से उबाल आने देंगे ताकि पपीता पूरी अच्छी तरह से चाशनी में उबल जाए। पपीता चाशनी के साथ पूरी अच्छी तरह से उबाल आ गई है। अब हम इसे निकाल देंगे एक कटोरी में। एक में हमें हल्दी डालना है तो हम उसे भूंज लेंगे, अच्छी तरह से चलाकर भूंज लेना है हल्दी वाली। अब अच्छी तरह से हमने भूंज ली है, कलर भी अच्छा आ गया है। अब हम इसमें फूड कलर रेड कलर के देंगे, दूसरी वाली है, कलर तो बहुत बढ़िया आ गया है। हम एक अब ऑरेंज कलर देंगे, फूड कलर है। एक रेड कलर है और ऑरेंज कलर, एक हल्दी वाली हमने डाल के बनाने बताया है और एक इसी तरह से है। हमने 4 कलर का बनाई है। अब हम इसे चाशनी से पूरी अच्छी तरह से निकाल करके, दबा करके निकालना है, हल्का सा ही। अब इसे हम एक थाली में पंखे के हवा तर या नहीं तो धूप में हल्का सा सुखा दें ताकि खराब ना हो। उसे फ्रिज में स्टोरेज करके रखें। अगर टूटी फ्रूटी बनने का तरीका अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर